आज सुबह जो वीडियो डाली मैंने उसको देखकर बहुत सारे लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया कि वेबसाइट डेवलपमेंट का कोर्स कब से स्टार्ट कर रहे हो सर। और बहुत सारे लोगों का कॉल भी आया मेरा, क्योंकि नंबर पड़ा हुआ है सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप वेबसाइट डेवलपमेंट कैसे कर सकते हो। सो गाइस, इस वीडियो में मैं कोई कॉपी पेस्ट वाला काम नहीं बताने वाला हूँ। बहुत सारे यूट्यूबर ने बता रखा है कि कैसे कस्टम थीम डेवलप करें वर्डप्रेस पर इस तरह का थीम किसी ने नहीं बनाया होगा। बिकॉज ये एक देखिए सिंपल सा थीम है जो अभी मेरे shivanshost.com के ऑफिशियल पेज का है। और अभी ये लोकल होस्ट पे मैं इसलिए चला रहा हूँ क्योंकि मैं फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो को, और जो वॉइस है वो फ़ोन से रिकॉर्ड हो रही। सो फ़ोन पे एरोप्लेन मोड है, दैट्स वाई ये अभी एरोप्लेन मोड पे चल रहा है फ़ोन। और अभी देखिए लोकल होस्ट पे है करेंटली, इस पे टोटल सेटअप है। अब कैसे वर्क करता है इसको मैं दिखाता हूँ आपको। और जैसे मैं इस पे लॉगिन कर लेता हूँ एक बार, इसकी पूरी लॉगिन डिटेल मैं डाल देता हूँ। इसमें लॉगिन डिटेल केवल वर्डप्रेस ही है, और उसका लॉग क्योंकि ये लोकल होस्ट है तो लोकल होस्ट मतलब अपनी पीसी पे तो फिर कुछ भी करते हैं डजेंट मैटर, पर आप इतना सिंपल पासवर्ड मत रखिएगा। हाँ, जस्ट एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं। सो गाइज, इस पे देखिए टोटल डेवलपमेंट ये देखिए ऊपर साइड बार आ गया, और यहाँ से पूरा हम लोग इसको मैनेज कर सकते हैं। अब एक बार मैं मैनेज करके दिखाता हूँ, जैसे कुछ भी कस्टमाइज करके दिखाता हूँ। ऐसा थीम बनाएंगे जो इजी टू कस्टमाइज रहेगा, और जो व्यूअर रहेंगे आपके या फिर जो भी इसको परचेज करेगा वो भी कस्टमाइज कर पाए। ऐसी थीम नहीं बनाना कि आप ही उसको कस्टमाइज कर पाओ, या फिर ऐसी थीम बना दो जिसको केवल HTML से ही कस्टमाइज की जाए। ऐसे ट्यूटोरियल बहुत सारे अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ से अगर रिमूव करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगा। सो ये वन क्लिक टू कस्टमाइजेबल है। यहाँ पे देखिए ये है, इसको भी आप रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे भी क्लिक करके पूरा ये HTML है, एडिट कर सकते हैं सब। एक 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 पार्ट मैंने इसको कस्टमाइजेबल बनाया है कि आप कुछ भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ देखिए कैटेगरी को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं, कैटेगरीज ऐड कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं वो आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। सो इस तरह की थीम डेवलप करना है हमें, ना किस तरह की थीम डेवलप करना है जो हमें ही पता रहे कि कैसे कस्टमाइज़ होगी, हमारे क्लाइंट या फिर हमारे व्यूअर या फिर हमारे जो हमसे परचेज करे उसको ना पता रहे कि कैसे कस्टमाइज़ करते हैं। सो ऐसी थीम नहीं बनाना है हमें। सो जस्ट अभी मैं एक बार इस फिर से लॉगिन करके दिखाता हूँ। सो एक तो वहाँ से भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे भी आपको सारे ऑप्शंस मिलेंगे यूज़र। एक बार मैं थीम दिखा देता हूँ अपनी थीम कौन सी है। सो थीम पे आते हैं यहाँ पे, और थीम में देखिए यहाँ Shivanshost की ये थीम जो लगी हुई है अभी करेंटली इसी पे वर्क चल रहा है, और यहाँ पे बाई Shivansh। तो फिर ये टोटल अभी थीम मेरे द्वारा बनाई जा रही है। अब इसको कस्टमाइज़ कैसे कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये विजिट पे आए, सो विजिट्स पे हम लोग पूरे विजिट को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे फुटर एरिया पे वन है, अब इसको मान लीजिए यहाँ पे आओ, इसको ओपन न्यू साइड करो। अब यहाँ पे आप इस पे आ गए, अब यहाँ से आप इसको डिलीट कर दे रहे हो। सो जस्ट यहाँ से डिलीट करोगे और यहाँ से ये पूरा पोर्शन गायब हो जाएगा। जस्ट मैं डिलीट करके भी दिखाता हूँ, फुटर 3 और फुटर 4 को मैंने डिलीट कर दिया। सो डिलीट करते ही आप देखोगे कि फुटर 3 और 4 खाली हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा, जस्ट ब्लैंक। सो एक बार रिफ्रेश करके दिखाता हूँ मैं। सो देखिए यहाँ पे फुटर 3 और यहाँ पे गायब हो गया। और ये क्यों नहीं गायब हुआ, क्योंकि ये लोगों के साथ अटैच है। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा ये होम पेज पर रिडायरेक्ट कर देगा। सो ये लोगों के साथ है, तो इसको रिमूव करने के लिए आपको लोगों को रिमूव करना पड़ेगा। सो अब बात करते हैं यार, ये सब मतलब कैसे डेवलप कर सकते हैं थीम डेवलपमेंट कैसे हम सीख सकते हैं। सो गाइस, आज फर्स्ट डे है तो फिर मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगा। एक पोस्ट मैंने डाल दिया है टेक्निकल ट्रिक्स की ऑफिशियल साइट पर, आप वहाँ पर जाओ। अब इसमें लिखा है कि आप कोई नॉर्मल यूज़र नहीं हो जो आप नोटपैड और नोटपैड प्लस प्लस से काम चलाओगे, अब आप एडवांस लेवल के डेवलपर बनने वाले हो। सो आपको कुछ एडवांस लेवल के कोड एडिटर यूज़ करने पड़ेंगे, और ये Xamarin सर्वर जो मैं यूज़ कर रहा हूँ भी लोकली कंट्रोल करने के लिए ये यूज़ करते हैं हम लोग। जब ये लोकल पे चल रहा है ना, ये Xamarin सर्वर की वजह से चल रहा है। और एटम कोड एडिटर ये मेरा फेवरेट कोड एडिटर है, इसी पे देखिए पूरी थीम है जो भी करेंटली मैं डेवलप कर रहा था। और यहाँ पे देखिए ये Shivansh टोटल ये पड़ा हुआ, तो फिर ये एटम कोड एडिटर यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ब्रैकेट कोड एडिटर, इसको मैं HTML की थीम को डेवलप करने के लिए यूज़ करता हूँ, बहुत ईजी होता है। एक एग्जांपल मैं दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे div क्लास बना के
डिव लिखिए, ये ऑटो कंप्लीट कर देता है, तो इजी टू यूज़ होता है, इसलिए मैं इसको यूज़ करता हूँ। और एक मोस्ट पॉपुलर एडिटर है सबलाइम टेक्स्ट 3, इसको तो मैं यूज़ करता नहीं हूँ। आप देखिए, इस पे कोई भी प्रोजेक्ट नहीं ओपन, इसको मैं यूज़ नहीं करता हूँ, और इसको भी रजिस्टर करना पड़ता है, अदरवाइज ये बार बार इरीटेट करता है कि रजिस्टर योर सबलाइम। आप लोग तो क्रैक भी डाउनलोड कर सकते हो, पर डजेंट मैटर। तो अभी आपको इतना चीज़ आपको अपनी पीसी में सेव करना है, डाउनलोड करना है। उसके बाद ये सब सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के बाद जो अपकमिंग वीडियोस आएंगी वो HTML पे आएंगी, फिर CSS पे आएंगी, फिर JavaScript पे आएंगी, jQuery, Bootstrap, फिर PHP। उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि WordPress की वेबसाइट कैसे डेवलप करते हैं, या फिर मैंने जो HTML पे बना रखी है, या फिर PHP पे भी मैंने बना रखी है, चार तरह की वेबसाइट कैसे डेवलप करते हैं, टोटल सीखा जाएगा, बस स्टेप बाय स्टेप। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तभी हम लोग आगे सीख पाएंगे और अच्छे से वर्क कर पाएंगे। तो अभी आप लोगों के लिए बस कितना इतना ही काम है कि आप जाके डाउनलोड कर लो। और ये देखिए, ये PHP की साइड है, तो फिर ये PHP पे आप चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इस पर। अभी ये शिवांश होस्ट पे इसलिए जा रही है क्योंकि ये अभी मैंने इसको कस्टमाइज़ कर रखा है उसी हिसाब से, PHP के हिसाब से। जस्ट अभी मान लीजिए इस पर पे मैं पेस्ट करता हूँ DigitalOcean का। देखिए यहाँ पे DigitalOcean की सेल्ड होस्टिंग ओपन हो गई। ये PHP भी मैं सिखा दूंगा आपको, और WordPress का भी थीम मैं डेवलप करना सिखा दूंगा। ऐसी थीम नहीं बताऊंगा मैं, फिर एक बार रिपीट करता हूँ, कुछ यूट्यूबर्स ने बनाया था कि हाउ टू डेवलप कस्टम टेम्पलेट, तो मैं उस तरह नहीं बताने वाला हूँ कि कैसे कस्टम टेम्पलेट बनाते हैं। बस आज की वीडियो में इतना ही कि आपको एक होमवर्क मिल गया है, एक हिसाब से समझ लीजिए, बिना कुछ पढ़ाए लिखाए इस सब सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करो और इस पर ऐसे ही प्रैक्टिकल करो, जिससे आपका कुछ ना कुछ तो कोडिंग का इंटरेस्ट बढ़ेगा। अगर उसके बाद बढ़ता है तो फिर नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो HTML के ऊपर आएगी, कि HTML का A to Z ओनली वन वीडियो। मैं बहुत ही जल्दी ये पूरी थीम डेवलपमेंट सिखा दूंगा, लगभग 10 to 15 वीडियोज़ में पूरा कंप्लीट कर दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।